जय हिंद साथियों, नोमैडिक हिंदुस्तानी चैनल में आपका अभिनंदन है। मैं हूं आपका साथी वीवी कनव। आज डेट है 10 फरवरी 2024 और आज मैं गया था जोधपुर राजस्थान में ना, उनका एक आरटीडीसी का होटल है घूमर, यहाँ पे मैंने स्टे किया था। ये होटल घूमर की एंट्रेंस है, तो मेन गेट से रात को एंट्रेंस हम कर रहे हैं। ये देखो सामने इन्होंने सेल्फी पॉइंट बना रखा है, जगमगा रहा है। तो ये राइट साइड में और लेफ़्ट साइड में इस होटल की एंट्रेंस है। तो ये जो होटल है ये रेलवे स्टेशन से तकरीबन 2-3 किलोमीटर है, लेकिन एक वहाँ पे राई का बाग रेलवे स्टेशन है उससे तकरीबन 500 मीटर की दूरी पे है। इसका ये जो ऑटोमेटिक डोर है, तो ये राइट साइड में जो इनकी रिसेप्शन है और लेफ़्ट साइड में इन्होंने बैठने के लिए एक बना रखा है। ये होटल में 3 फ्लोर्स हैं। ये देखो एक राइट साइड में इन्होंने शॉप भी बना रखी है, तो जिसमें ये जो ट्रेडिशनल कुछ बेचते हैं। ये इधर बाथरूम बना रखे हैं आम लोगों के लिए। ये इनका है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट का मैंने आप सोचा आपको साथ एक व्यू शेयर कर लिया जाए। तो रेस्टोरेंट काफ़ी खुला डुला है। तो इस होटल का जो रूम है उसके टैरिफ में ना ब्रेकफास्ट आज की डेट में इन्होंने इंक्लूड कर रखा है। इस होटल में ना तीन चार तरह के रूम्स हैं। एक तो एसी है जिसका 31 मार्च 24 तक जो रेट है इन्होंने 1400 रुपया रखा हुआ है, और एसी सुपर है उसका 2000 रुपया, नॉन एसी 1100 रुपया, और जो इनका स्वीट है वो 3500 रुपया है। तो ये इसमें लिफ्ट लगी हुई है, तो लिफ्ट में आप ऊपर जा सकते हैं। लेकिन सुबह जब मैं वापसी में चेकआउट किया था, मैंने सुबह सुबह की मेरी ट्रेन थी, मैंने तकरीबन 6:30 बजे निकला तो लिफ्ट बंद थी, तो मेरे को जीने से उतरना पड़ा स्टेयर से। तो ये जो होटल है इसमें आप अगर चाहे तो स्टे कर सकते हैं। तो इसमें डिस्काउंट वगैरह भी अवेलेबल रहते हैं, जैसे सीनियर सिटीजन के लिए 20% डिस्काउंट देते हैं, अगर वुमेन ग्रुप है ट्रैवलर का तो उनको 25%, अगर दिव्यांग है तो उनको भी 30% डिस्काउंट है, शायद पता नहीं 25 है या 30 है। और जो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई या PSU के एम्प्लॉई है उनको 30% डिस्काउंट है। ये इसका बाहर का एरिया दिन का है, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। तो बाहर इनमें ये जो कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही है, तो कंस्ट्रक्शन से इसको अभी रेनोवेट किया जा रहा है। अगर तो आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है 5 स्टार टाइप या कुछ बहुत बढ़िया चाहिए, तब तो आप देख लेना। अदरवाइज़ जो बजट ट्रैवलर्स है ना, तो उनके लिए ये होटल अच्छा है। जैसे देखो 1100 रुपये में रूम मिला मेरे को, मैं एम्प्लॉयज़ था, 30% डिस्काउंट काट के ये तकरीबन 600-700 रुपये और उसके ऊपर GST 700-800 रुपये में मतलब एक रूम आपको पड़ जाएगा। जोधपुर जैसे शहर में 700-800 में जो इतने अच्छे होटल में जहाँ पार्किंग अवेलेबल है, स्टेशन पास है, तो वहाँ पर आपको मिल जाए तो बढ़िया ही है। और उसमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड हो, और उस आपको क्या चाहिए। अगर आपको ये है कि आपने बड़ा हाई फाई रहना है, तो आप फिर कोई और प्रॉपर्टी देख लेना। पार्किंग की इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वेंटिलेशन की कोई दिक्कत नहीं है, रोड के ऊपर ही है बिल्कुल, कोई अंदर गलियों में घुसना नहीं पड़ता। बाकी ये है कि थोड़ा नींद की डिस्टर्बेंस रहती है, बिकॉज़ रोड क्रॉस करके पल्ली साइड में जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर रात को गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। ये बाहर का देखो कॉरिडोर से व्यू है, ये नॉन एसी रूम था ना, ये कूलर है इनका पड़ा हुआ, तो नॉन एसी में ये ऐसे कूलर लगा रखे हैं, गर्मियों में आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये रूम का व्यू मैं आपको, तो इसमें दो जैसे ये सोफे से लगा रखे हैं, टेबल है, तो पानी का कैंपर रखा हुआ है, लेकिन उसमें पानी नहीं था। जब मैंने पानी मांगा तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो फिल्टर्ड पानी अवेलेबल नहीं है, बॉटल ले लो, बॉटल चार्जेबल है। और ये बेड है इनके, गद्दे काफ़ी मोटे मोटे हैं, टीवी लगा हुआ है लेकिन मैंने चला के देखा नहीं, डस्टबिन है। ये सामने वैनिटी मिरर है, और इसके अंदर ब्लैंकेट वगैरह दो पड़े हुए थे। मेरे को क्विल्ट चाहिए थी, क्विल्ट उन्होंने मांगने पे मेरे को प्रोवाइड करवा दी, और मॉस्किटो के लिए जो रेपेलेंट होता है उसका सेट भी इन्होंने प्रोवाइड करवा दिया था, दो टॉवल ये देते हैं। और बाकी लाइट्स वगैरह तो ठीक थी थोड़ी, ये आके मतलब एकदम अगर आप चाहिए तो क्लियर कट नहीं था। ये सामने गीज़र लगा हुआ है, और सीट इसकी दूसरी इंग्लिश वाली है,
गर्म पानी आपको अवेलेबल रहता है, एग्जॉस्ट फैन भी इसमें लगा हुआ है, बाकी वॉश बेसन है। तो थोड़ी सफाई की मेरे को कमी लगी कि जितनी होनी चाहिए एक्सपेक्टेशन है उतनी सफाई इसमें नहीं थी। बाकी नाश्ता वगैरह मैंने किया था सुबह यहाँ पे। एक दिन तो मैंने अर्ली चेकआउट कर लिया, तो उस चेकआउट में फिर मैंने नाश्ता तो मैंने किया नहीं, तो बाकी खाना तो मैंने यहाँ खाया नहीं था, बिकॉज़ जोधपुर बाहर काफ़ी मिल जाता है खाने के लिए, तो बाहर घूमने जब मैं गया तो वहीं खा लिया था। ये सामने इन्होंने एक ना होटल का कुछ मेरे ख्याल लीज आउट किया हुआ है पार्ट, मैरिज पैलेस वगैरह की तरह यूज़ करते हैं किसी को, तो ये देखो यहाँ पे कोई फंक्शन हुआ होगा, अभी उसकी सफाई नहीं हुई है, बाहर ये झूले वगैरह भी लगा रखे हैं, तो आप यहाँ बैठ के भी इंजॉय कर सकते हो, लेकिन अभी शायद फंक्शन होके हटा है, तो इसीलिए अभी सफाई उसकी नहीं हुई है। जो इसका एंट्रेंस डोर है वो भी ऑटोमेटिक है, तो मैंने मैनेजर साहब से बात की थी, वो कह रहे थे वैसे इसकी रिपेयर के लिए काफ़ी पैसा सेंक्शन हो चुका है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने उसको रिलीज नहीं किया है, अगर इसकी ये हो जाती है रिपेयर वगैरह तो फिर काफ़ी अच्छा ये बन जाएगा। ये मेन्यू है आज की डेट में, इसका मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं, तो पॉज करके आप प्लीज़ देख लेना। तो यहाँ से मैंने सुबह स्टेशन गया था तो ई रिक्शा की थी, उसने 70 रुपीज़ मेरे से चार्ज किए थे। एक तो मॉर्निंग का टाइम था, दोपहर में शायद कम हो जाते हैं, बाकी कहते बसेस भी सामने से चलती है, अगर आपको चाहिए तो वो बस भी आप कर सकते हो। ये मेनू है इसका, तो इसमें जो जो सामान है अवेलेबल है वो इसमें लिखा हुआ है, तो आप पॉज करके उसको काइंडली देख लेना कि कैसा ये है। ये ब्रेकफास्ट में देखो वो पड़े हुए हैं, ब्राउन ब्रेड के साथ बटर लगा रखा है, पोहा है, ये आलू की सब्जी है, ये मंगोड़ी सी बना रखी है, तो साथ में सॉस है, ये पूरी है गरम गरम, तो ये मैंने पास्ता किया था, पोहा वगैरह, चाय है साथ में, लेकिन चाय के ये जो मेरे को ना पसंद नहीं आया कि इन्होंने डिस्पोजेबल में सर्व करते हैं, अगर दुए होते तो ज़्यादा बढ़िया रहता। तो रूम का ये व्यू, ये सुबह सुबह का बाहर का इवनिंग का, सॉरी मैं आपको दे सनसेट वगैरह का, ये सामने ना लोग काफ़ी, यहाँ पता नहीं सामने स्टेशन है वहाँ से लोग इस यहाँ लेटे रहते हैं, तो ऐसे इनका वैसे लिक्वर का भी है साथ में ठेका, बिकॉज आरटीडीसी को गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है, तो लिक्वर वहाँ से आप अगर इंटरेस्टेड है तो ले सकते हैं। ये सामने एक शॉप सी खुली हुई है सरस वालों की, यहाँ से आपको दूध वगैरह या स्नैक्स वगैरह मिल सकते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे ऐसे वीडियो देखने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, तो जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर टाइम, नमस्कार, जय हिंद।